तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। आज है 19 फरवरी और दोस्तों आईबी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना चाहिए, पूरा एनालाइज करना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों हमने पूरा इसका जो PDF है वो अवेलेबल करा दिया है। सभी क्वेश्चन आप सभी को आज के इस PDF में मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने आज के इस PDF में उतार लिया है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था कि किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता था। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बिली बैरेट। ठीक है, बिली बैरेट ने यही एक अभिनेता थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता था। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जो है बिली बैरेट द्वारा जीता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था ये आपका पंजाब था। ठीक है, पंजाब राज्य में अभी सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई। ठीक है, पंजाब इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जो 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा किया है, किसको रिहा किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था उनमें से ऑप्शनों में वो राइट आंसर था महबूबा मुफ्ती। ठीक है, महबूबा मुफ्ती जी को यहाँ पर रिहा किया गया था 14 महीने की नज़रबंदी के बाद। ठीक है, इसके बाद है कि किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किसकी होती है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे। और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बैगनी। ठीक है, जो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अधिक किसकी होती है वो आपका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, आप लोगों को सही आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था राइट आंसर था ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 जब ईस्वी का रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और दोस्तों इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चनों का कल हमने आंसर दिया था आप लोगों को। जो कॉमन क्वेश्चन था वो यही था कि जो करंट अफेयर है वो कब का आ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर जो पोर्शन है कब तक की जो करंट अफेयर है वो पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं PDVS के जितने भी आपके 6 महीने हैं, ठीक है, 6 महीने का करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग रट के जाएं। क्योंकि करंट अफेयर का कल आप लोग देखते होंगे काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ये भी कमेंट कर रहे थे सर IB का पेपर का बहाना नहीं का बहाना दे के हम लोगों से UPSC का पेपर हल करवाया गया था। ठीक है, मतलब कि पेपर का लेवल वाकई में काफ़ी टफ था। ठीक है, तो पेपर का लेवल मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर ऐसा ही आता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें 16 नवंबर इसका सही उत्तर था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वह टेनिस प्लेयर जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल जो थे ये वही टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 13वीं बार जो है फ्रेंच ओपन सिंगल्स का जो है खिताब जीता है। ठीक है, राफेल नडाल इसका सही उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर माउस का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शांतिवन समाधि जो है किसकी थी। ठीक है, शांतिवन समाधि आपकी किसकी थी, तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे शांतिवन जो है समाधि स्थल जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका छोटा नागपुर। ठीक है, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन लास्ट में हम लोग करवाएंगे। ठीक है, पहले हम JS और करंट अफेयर के क्वेश्चन करा देते हैं। दामोदर नदी जो है आपकी छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर से यहाँ पे दामोदर जो नदी है छोटा नागपुर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, तो कौन थी। देखिए, पहली और जो जिस शब्द में जिस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पहली या एकमात्र जुड़ जाता है वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, उसको किसी न किसी एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था आपका सैयदा अनवरा तैमूर। ठीक है, सैयदा अनवरा तैमूर आपकी असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था, सैयदा अनवरा तैमूर इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है,
किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर है बिहार, ठीक है। बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ जो है किया गया, ठीक है। बिहार इसका सही उत्तर है, बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन था किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश इसका सही राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य में किसान कल्याण योजना जो है शुरुआत की जा रही है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। किसान कल्याण योजना, ठीक है, आप लोग जल्दी से देख लीजिए किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, ठीक है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो राइट आंसर क्या है? पाली, ठीक है, पाली इसका राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेश जो थे आपके पाली भाषा में थे, ठीक है। सिनेबार किसका एक अयस्क है, ठीक है, तो मरकरी इसका राइट आंसर है, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है। और वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या था? इसका राइट आंसर था आपका केरल, ठीक है। केरल वह राज्य बन गया है जिसने अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनवाया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, ठीक है, आप लोग अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। जिस प्रकार से DCEF, ठीक है, जिस प्रकार से DCEF का संबंध WXVW से है, ठीक है, उसी प्रकार से KJLM का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखें क्या पैटर्न बनना है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न अच्छे से पता करने की, लोगों को क्या पता होना चाहिए, A से लेकर M तक की और N से लेकर Z तक की पूरी सीरीज कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर होता है, जैसे कि A तो एक पे होता है, लास्ट वाला किस पोजीशन पर होता है, ठीक है, इसके बाद N किस पोजीशन पर होता है, U, ये सभी अल्फाबेट जितने लिखे हैं इनकी सभी पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब पोजीशन आप लोग लिखेंगे नंबर लिख देंगे ना, जैसे कि D आपका ABCD चौथे पोजीशन पर होता है, C आपका तीन पोजीशन पर होता है, ठीक है, ये पाँचवें पोजीशन पर होता है, ठीक है, इसके बाद आपका ये छठे पोजीशन पर होता है, तो जो नंबर बनता है उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सीरीज का हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग आराम से ऐसे ही हल कर पाएंगे। जिस प्रकार से DCEF का संबंध WXVU से है, उसी प्रकार KJLM का संबंध जो होगा राइट आंसर हो जाएगा STRQ से, ठीक है, STRQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार से तीन का संबंध 27 से है, ठीक है, जिस प्रकार से तीन का संबंध 27 है उसी प्रकार से सात का संबंध किससे होगा? तो तीन का क्यूब जो होता है 3 × 3 × 3 जो होता है आपका 27, 3 × 3 = 9 = 27, ठीक है। इसी प्रकार से सात का भी क्यूब हम लोग करेंगे, 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 = 49, 7 × 9 = 63 और 6 × 7 = 28, 6 × 34, ठीक है, तो 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीन का संबंध जिस प्रकार से 27 है उसी प्रकार से सात का संबंध 343 होगा, 343 इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सीरीज दी गई है, इसमें कौन सा गलत जो नंबर है जो आ गया है, ठीक है, गलत पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो 13 से 29 हुआ, ठीक है, यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ पे आपका बड़ा है 16, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये हुआ 44 में 29 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, 15 हुआ, ठीक है, 16, 15। इसके बाद यहाँ से यहाँ हुआ कितना देखते हैं, 61 में से 44 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, 11 में से 7 आएगा और 1 आएगा, 17 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख ही सकते हैं। इसके बाद 24 से 39 हुआ है तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कितना हुआ है, 24 से 39, 39, 24, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 15, ठीक है, 15 से यहाँ पे माइनस करेंगे तो 14 में से 9 चला जाएगा आपका, 5 ही बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, ये 15 की चल रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 15 यहाँ पे कितनी की, 16 की चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 16 जब होगा तो इसके बाद यहाँ पे भी 16 ही आना चाहिए, यानी कि आपका 29 और 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 6, 9, 6, 15, 5 हंसी लगाए 45 होना चाहिए था, लेकिन 44 लिखा था, ठीक है। तो गलत टर्म क्या था, 44 था, ठीक है। तो हमें सीरीज पता करनी थी तो गलत टर्म आ गया आपका 45 होना चाहिए, 44 यहाँ पे लिखा हुआ था, 44 गलत था। हाँ, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि यदि टिम्बर को TIMBER को किसी कोड भाषा में, ठीक है, बर्मिट कहा जाता है, ठीक है, लिखा जाए तो उसी कोड भाषा पर बैंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखें, आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जिस प्रकार से TIMBER, ठीक है, टिम्बर को क्या लिखा जाता है, BERMIT, बर्मिट, ठीक है, यानी कि ये तीन अक्षर पहले और ये वाले लास्ट का उल्टा, ठीक है, तीन अक्षर पहले कर देंगे TER कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद यह उल्टा NAB कर देंगे, टर्न नैब, ठीक है, टर्न नैब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को अगर टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो आप लोगों को बता दें सरकारी, ठीक है, सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है और इस पर करीबन 6000 से ज़्यादा जो छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे।